पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पुलिस ने शनिवार रात को झारखंड के 3 कांग्रेस विधायकों को भारी मात्रा में नकदी के साथ हिरासत में लिया। ये तीनों विधायक एक ही कार में थे और पूर्वी मिदनापुर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में पुलिस ने उनकी गाड़ी को रोका और तलाशी लेना शुरू किया। तलाशी में गाड़ी से भारी मात्रा में रुपए बरामद हुए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक स्वाति भंगालिया मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया कि विधायकों से इस बाबत पूछताछ की जा रही है। गाड़ी पर जामताड़ा विधायक का बोर्ड भी लगा हुआ था। एर मध्ये 3 एमएलए आछे, जरा झारखंडेर एमएलए आछे, और एखाने आमरा किंतु प्रचुर प्रमाणे टाकाटा पेयेछि। क्या आप अपनी कृषि भूमि से रोजाना कमाई करना चाहते हैं? तो विजेताओं से सीखें, देर न करें, फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। गुप्त सूचना के आधार पर रानीहाटी मोड़ पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया था और इसी दौरान झारखंड के जामताड़ा से आ रही इस गाड़ी को रोका गया, जिसमें कांग्रेसी विधायक राजेश कच्छप, नमन विक्सल और इरफान अंसारी बैठे हुए थे। तीनों विधायकों को हावड़ा पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इरफान के पिता फुरकान अंसारी पुराने कांग्रेसी नेता हैं। इरफान पहली बार 2014 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने और दोबारा 2019 में विधायक बने। वो अपने बयानों को लेकर विवादों में भी रहते हैं। उनके भाई ने दावा किया कि इन सभी को फंसाने की कोशिश की जा रही है। हर साल की तरह इस साल भी ये लोग झारखंड से कोलकाता के बड़े बाजार आए थे। इस दौरान इन लोगों के पास करोड़ों पैसा बिल्कुल नहीं था। इन लोगों की गाड़ी से जो कैश रिकवर हुआ है, कैश रिकवर हुआ है तो हम लोग न्यूज में सुने कि कई करोड़ कैश रिकवर हो गया है, ऐसा ऐसे भी न्यूज गलत है। उन लोगों के जो कैश रिकवर हुआ है लगभग कुछ 48 या 45 ऐसा कुछ कैश रिकवर हुआ है। तो इन लोग आए थे यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए, साड़ियाँ लेने के लिए। अभी आदिवासी दिवस है, फिर दुर्गा पूजा है। हर साल जो हमारे विधायक हैं वो 25-30 लाख का तो दुर्गा पूजा में साड़ी यहीं कलकत्ता से ही लेके जाते हैं। हाँ, तो वो साड़ियाँ हो सकता है उन्होंने अपने साथ अपने जो सपाटी विधायक को भी लेके आए कि चलिए वहाँ साड़ियाँ आपको सस्ती मिल जाएंगी तो आप लोग चले आए। तो वही अमाउंट है कैश, और तो ज़्यादा अमाउंट है नहीं कैश। इससे तो ये लग रहा है कि ये साजिश है या इनके पीछे कोई लगाव हुआ होगा, तभी है। दूसरा तो है कि भाई अगर जाँच कर रहे हैं, अभी ऐसे ही बंगाल में भी हॉट है, जो यहाँ ईडी की कार्रवाई हो रही है, तरह तरह की कार्रवाई हो रही है, तो गाड़ी जाँच हो रही है, तो मिली विधायक की गाड़ी में कैश होगा। इरफान के अलावा गाड़ी में मौजूद राकेश कच्छप खिजड़ी के विधायक हैं, जबकि नमन विक्सल कोलेबीरा के विधायक हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो कुल नकदी करीब 49 लाख रुपए है। इन सभी विधायकों को हावड़ा के पांचाला थाना लाया गया और नोट गिनने की मशीन से कैश गिना गया। मामले को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है तो कांग्रेस जवाब देने में पीछे नहीं है। कलकत्ते में पैसे की बरसात हो रही है, टीएमसी के मंत्रियों के घरों से पैसे निकल रहे हैं, उनके बिचौलियों से पैसे निकल रहे हैं टीएमसी के यहाँ से। उसी प्रकार से बंगाल में कांग्रेसी विधायकों के यहाँ से पैसे निकले हैं, इसका जवाब कांग्रेस और कांग्रेस के विधायकों को देना है कि वो टीएमसी की सरकार है, और जहाँ जहाँ टीएमसी और कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर पैसों की बरसात हो रही है, कोई दूर दूर तक नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई 50 लाख का बात बोली, यहाँ एक अफसर के यहाँ तो 20 करोड़ मिला, उसकी भी चर्चा तो करें लोग। उनका शासन है कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का शासन, 20 करोड़ एक अफसर के यहाँ और विधायक प्रतिनिधि के यहाँ करोड़ों करोड़ निकले, उसकी भी तो चर्चा आप कीजिए। लानत है उन विधायकों को जो बिकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा लानत उन लोगों पर है जो इन विधायकों को, इन लोगों को खरीदने की कोशिश करते हैं, खरीदने का प्रयास करते हैं। अगर पैसों से नहीं तो उसे भावनात्मक तरीके से आतंकित कर अपना दल छोड़ने के लिए मजबूर करने का प्रयत्न करते हैं। निश्चित रूप से जिन विधायकों ने यह कृत्य किया है, पार्टी उन पर सख्त से सख्त कदम उठाएगी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कुछ दिनों पहले ही विधायकों की बैठक की थी, जिसमें विधायकों को सख्त हिदायत दी गई थी
कि कोई भी राज्य से बाहर नहीं जाएगा। इसके बावजूद ये तीनों विधायक झारखंड से कोलकाता पहुंच गए। पूछताछ और जांच पूरी होने के बाद ही सारी बात साफ हो पाएगी। क्या आप अपनी कृषि भूमि से रोजाना कमाई करना चाहते हैं? तो विजेताओं से सीखें, देर न करें, फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।